संघ का 64वां स्थापना दिवस आज राजा तालाब में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें संघ के प्रदेश महामंत्री मंगतराम नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बामस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने की। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं बामस के प्रदेश महामंत्री मंगतराम नेगी उपस्थित बामस से संबंधित कर्मचारियों को संबोधन करते हुए कहा कि अब प्रदेश में सरकार बदल चुकी है और मजदूरों कर्मचारियों की उचित मांगों को तुरंत हल करे। उन्होंने कहा कि मजदूरों कर्मचारियों की मांगों को लेकर बामस ने शिमला में 17 सितंबर को एक विशाल रैली रखी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है और ठेकेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बामस इसका विरोध करता है और सरकार विभागों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए। उन्होंने कहा कि बामस ने केंद्र और प्रदेश सरकार से निवेदन किया है कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, आंगनबाड़ी मिड डे मील आशा वर्कर जल रक्षकों का वेतनमान बढ़ाया जाए और उनके हितों को ध्यान में रखकर उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। इस पर बामस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हुई थी, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में कर्मचारियों को 1700 करोड़ के लाभ दिए हैं। पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ का 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज 63 वर्ष हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज 64वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब हम प्रौढ़ों की श्रेणी में आ गए हैं। तो भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के कर्मचारियों को, श्रमिकों को बधाई देता है। भारतीय मजदूर संघ ने जहाँ तक वर्षों से कर्मचारियों की शोषित दलित पीड़ित जनों की जो समस्याएं उठाई हैं, आज भी उसके ऊपर कायम है। भारतीय मजदूर संघ वर्तमान की केंद्र सरकार से और वर्तमान की जो प्रदेश सरकार, माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी नम्र निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को जो उनका मानधन केवल उनके केवल हाथी के मुँह में जीरे के समान है, उसको जो है हरियाणा की तर्ज पर दिया जाए। जब तक वो नहीं दिया जाता है तो आंगनवाड़ी की बहनों को 18,000 रुपये का जो वेतनमान दिया जाए और हमारे जो आशा वर्कर हैं उन बहनों को जो प्रदेश सरकार ने जहां तक 250 रुपये की जो बढ़ोतरी की है, हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद प्रकट करते हैं। और जो उन्होंने 1250 रुपये का जो मानदेय इनका जो तय किया है, मगर हमारी वर्तमान सरकार से एक विनम्र निवेदन भी रहेगा कि आशा वर्कर का इस समय जो इनको का जो कार्य को देखते हुए पूरा दिन इनका जो है पूरे क्षेत्र में लगता रहता है। कांगड़ा से पंजाबी सरगर्मियों के लिए गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।